नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल जीके पाठशाला में। दोस्तों, हमारी बात चल रही थी मार्क्सवाद के बारे में, तो मार्क्सवाद के 3 वीडियो हमने देख लिए थे। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत, ये चौथा वीडियो है, वीडियो नंबर 4। तो अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत, देखो वैसे नाम से ही पता चल रहा है, जो एक्स्ट्रा जो वैल्यू है उसके बारे में इसने क्या ये सिद्धांत दिया है। तो देखो, बात करें अगर इस अतिरिक्त मूल्य सिद्धांत की, तो ये जो मार्क्सवाद का आर्थिक सिद्धांत है, मार्क्सवाद का आर्थिक कौन सी बुक में दिया हुआ है, वैल्यू प्राइस एंड प्रॉफिट। तो मार्क्सवाद का जो आर्थिक सिद्धांत है, वैल्यू प्राइस एंड प्रॉफिट जो बुक है इसकी मार्क्स की, उसमें दिया हुआ है। तो ये जो अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत है, इसने कहां से ग्रहण किया, ये क्या है, डेविड रिकार्डो से, डेविड रिकार्डो का एक सिद्धांत आता है शर्म का, अतिरिक्त मूल्य सिद्धांत। तो यहां देखो, जो मार्क्स क्या कहता है कि वास्तव में देखो दो प्रकार की कीमतें होती हैं। दो प्रकार की कीमतें बात करें तो एक तो होता है मूल्य और एक होती है कीमत। देखो इसके बारे में बात कर रहे हैं, मूल्य, तो एक तो हो गया मूल्य और एक हो गई कीमत। तो देखो मार्क्स है इसमें, देखो कैसे डिफरेंशिएट करता है मूल्य। मूल्य आप ऐसे समझो कि जैसे पानी का मूल्य है वो सोने से अधिक है। भाई अधिक इसलिए है कि इतने सुलभता से उपलब्ध हो रहा है, फिर भी 20 रुपये लीटर बिक रहा है। कारण क्या है, उसकी ज़्यादा ज़रूरत है और जो सोने की वो है ज़रूरत है वो कम है। यानी मूल्य क्या है, एक तो उपयोगिता के आधार पर हो गया, वो तो है मूल्य। फिर बात आती है कीमत की। ये मूल्य, पानी का मूल्य आप ऐसे भी समझ लो, देखो कई बार व्हाट्सएप के ऊपर वीडियो आप देखते हो, उसमें पहले वो 100 रुपये देता है, उसको 1 लीटर बोतल मिलती है, फिर 500, मतलब समय के साथ जो आने वाले कई सालों बाद। इसीलिए कहता है पानी बचाइए, जीवन बचाइए और पेड़ लगाइए, ये चीज़ें ध्यान रखो। तो ये एक तो हो गया मूल्य, जैसे पानी का मूल्य सोने से अधिक है। अब बात करते हैं देखो कीमत की। कीमत यहाँ जो मार्क्सवाद है वो दो प्रकार की कीमतें बताता है, एक कीमत बताता है बाजार कीमत और एक कीमत बताता है, वो कीमत बताता है प्राकृतिक, प्राकृतिक कीमत, और जो दूसरी कीमत है वो बताता है बाजार कीमत। प्राकृतिक कीमत और जो बाजार कीमत है, दोनों में देखो डिफरेंस क्या है। प्राकृतिक कीमत जैसे MRP लिखा हुआ है, ठीक है भाई, प्याज है, प्याज 10 रुपये किलो प्याज बिक रहे हैं, तो वो उसकी क्या है, प्राकृतिक कीमत है, ठीक है, जो MRP है वो ही प्राकृतिक कीमत। लेकिन यहाँ बाजार कीमत देखो ये क्या बताता है मार्क्सवाद, ये कहता है कि बाजार के हिसाब से क्या है, कीमतें बढ़ती रहती है घटती रहती है। अभी के समय की बात करें तो प्याज चल रहे हैं 80 रुपये किलो, जो प्याज 2 रुपये किलो होता था उसकी आज के समय रेट चल रही है 80 रुपये किलो। ये कारण क्या हुआ, ये कारण ये है कि बाजार क्या करता है, कीमतें निर्धारित कर लेता है फिर उसी वस्तु की, चाहे कैसे भी करे। जैसे उपयोगिता, अब उनको पता है कि भाई माल तो है नहीं, तो माल है नहीं तो इन्होंने क्या किया, यकायक क्या कर दी, कीमतें बढ़ा दी। तो दो की जो 2 रुपये की वस्तु थी वो क्या थी, 80 रुपये में चली गई, यानी बाजार कीमत। दूसरा, जो आज 80 रुपये बेच रहा है प्याज, थोड़े दिनों बाद जो कीमत आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, 2 रुपये। यानी कीमतें क्या है, बाजार अपने हिसाब से डिसाइड करता है, घटाता रहता है बढ़ाता रहता है। तो मार्क्सवाद ये कहता है कि जो श्रमिक वर्ग है भाई, ये 2 रुपये तो श्रमिक वर्ग का ही है ना, 2 रुपये, जैसे काश्तकार है, जो किसान संगठन है, जो किसान है वो 2 रुपये किलो प्याज पैदा कर रहा है। तो ये कह रहा है कि वास्तव में किसान अपनी वस्तु नहीं बेचता है, इसने देखो श्रम को, जो मजदूरी है उसको एक वस्तु बताया, श्रम को क्या बताया, एक वस्तु, कि कोई भी जो मजदूर है वो श्रम बेचता है, यानी वस्तु बेच रहा है, श्रम का मतलब वस्तु बेच रहा है, और श्रम के बदले क्या है, वो अपनी निर्वाह मजदूरी प्राप्त करता है।
अब ये श्रम जो बेच रहा है, वस्तु बेच रहा है, वो किस कीमत के ऊपर बेच रहा है? वो बेच रहा है देखो बाजार कीमत के ऊपर। यहाँ दोनों कीमतें ध्यान रखना आप, प्राकृतिक कीमत और बाजार कीमत। तो यहाँ जो ये श्रम बेच रहा है, जो मजदूर है, वो किस कीमत के ऊपर बेच रहा है? बाजार कीमत के ऊपर बेच रहा है। देखो बाजार कीमत को आप ऐसे ध्यान में रखो, आज पूंजीवादी वर्ग है भाई, मार्क्सवादी कहता है कि जो तीन अवस्थाएं थी वो खत्म हो गई है, ये जो चौथी चल रही है वो पूंजीवादी अवस्था चल रही है। अब पूंजीवादी अवस्था में देखो क्या है, पूंजीवाद जनसंख्या का एक तरह से क्या है, बोलबाला है, जनसंख्या का बोलबाला है। तो बाजार कीमत देखो श्रम की कैसे लगेगी, अगर आप कहीं मार्केट में जाओ, जैसे मैन जहां श्रमिक खड़े रहते हैं वहां आप जाकर देखोगे खूब सारे मजदूर हैं। कारण क्या है, बेरोजगारी इतनी बढ़ गई है, लोगों के पास रोजगार कम हो गए। तो ये पूंजीवाद वर्ग की बात कर रहे हैं, जो व्यवस्था चल रही थी उस समय, जो अवस्था चल रही थी चौथी अवस्था इसके अनुसार, मार्क्सवाद के अनुसार। तो जनसंख्या हो गई ज़्यादा, काम हो गए कम, तो व्यक्ति क्या है कम कीमत के ऊपर काम करने को क्या है, मजबूर हो रहा है। भाई जिसको मान लो एक अध्यापक के प्राइवेट स्कूल में 5,000 रुपये में पढ़ा रहा था, अब उसने 5 साल स्कूल में पढ़ाया, तनख्वाह उसकी मान लो उसको बढ़ानी पड़ी हर साल, 10 साल बाद उसकी तनख्वाह मान लो उसने 10,000 कर दी, तो फिर वो एएनकेएन पर कारण उसको निकालेगा। कारण क्या है, अभी उसको 3,000 में मास्टर तीन मिल जाएंगे, अभी देखो 3,000 में तीन मास्टर मिल जाएंगे, तो वो क्यों रखेगा? यानी बाजार कीमतें तय कर रहा है श्रमिकों की। देखो यहाँ एक देखो ग्राफ बना रखा है मैंने, यहाँ जो पूंजीवादी अवस्था है उसमें देखो उत्पादन मुख्य है, उत्पादन किससे हो रहा है, श्रम से हो रहा है, यानी उत्पादन का आधार तो क्या है, श्रम है। तो इनका देखो पूंजीवादियों का उद्देश्य क्या है, सिर्फ लाभ कमाना। तो उत्पादन कैसे होगा, पूंजी लगेगी तो ही उत्पादन होगा। भाई आप कोई भी फैक्ट्री लगाओगे तो पूंजी सबसे इम्पोर्टेंट है। तो पूंजी में भी देखो दो चीज़ें आ गई, एक तो स्थिर पूंजी और एक अस्थिर पूंजी। तो स्थिर पूंजी जो पूंजीवादी वर्ग की है उसमें है माल, औजार और मशीन, जो पर्टिकुलर क्या है, स्थिर है। और यहाँ अस्थिर पूंजी कौन सी है, वो आ गई श्रम, अस्थिर है ये। और ये किसकी है, पूंजीपति वर्ग की। और ये किसकी है, जो श्रम है, श्रम तो किसके पास है, श्रमिक वर्ग के पास। इसकी तो क्या है, जो मशीन है वो है पूंजीपति वर्ग की। तो यहाँ देखो पूंजीपति वर्ग का तो उद्देश्य क्या है, जो हमने बात करी, जो उत्पादन का उद्देश्य क्या है, लाभ कमाना। और इनका क्या है, उत्पादन का उद्देश्य क्या है, इनका है कि अपनी जो निर्वाह मजदूरी है वो एक तरह से हासिल करना। यहाँ निर्वाह मजदूरी का मतलब है कि न्यूनतम जो ज़रूरतें हैं वो पूरी हो जाएं, भाई रोटी कपड़ा मकान। जैसे कहते हैं ना कि सरकारी नौकरी तो वो करता है जिसको दाल दाल खानी है, रोटियों का जुगाड़ नहीं होता है, मतलब जो नौकरियाँ हैं उसके बारे में बात चलती रहती है। बाकी प्राइवेट में है कि आदमी अनचाहे पैसे कमा सकता है, तो वो है निर्वाह मजदूरी। सरकारी कर्मचारी है, निर्वाह मजदूरी है, आप ये समझ के चलो जो हम कर रहे हैं वो निर्वाह मजदूरी और कुछ नहीं है। तो प्राइवेट है उसमें खूब पैसे हैं, आप भी आ जाओगे सरकारी विभाग में तो आपको भी ऐसे लगेगा प्राइवेट ज़्यादा अच्छी है, लेकिन फिर भी ये क्या है, छोड़ नहीं सकता नौकरी, ऐसी कई सारी परिस्थितियाँ आती है। तो यहाँ उद्देश्य इसका हो गया लाभ कमाना। अब ये देखो लाभ किस प्रकार से कमाता है, दो प्रकार से लाभ कमाता है। ये अतिरिक्त मूल्य का सृजन कैसे करेगा, पहली मजदूरी कम करके। मजदूरी कम इसलिए करेगा क्योंकि यहाँ मैंने बताया ना कि 10,000 से वो 3,000 रुपये मजदूरी इसलिए कम करेगा कि उसके पास जनसंख्या कारण क्या है, श्रमिक बहुत है, बहुत सारे उसके पास श्रमिक है। उसको कोई ज़रूरत नहीं है किसी के पैरों में के ऊपर पड़ने की, भाई नहीं नहीं तू रहेगा तो मेरी फैक्ट्री अच्छी चलेगी, अरे तू नहीं तो कोई और आएगा, है ना। एक गया पीछे 50 तैयार है, 50 गए पीछे 50,000 तैयार है, 50,000 गए 50,00,000 तैयार है, ऐसी परिस्थिति है। तो एक तो इनकी मजबूरी का क्या करते हैं, ये फायदा उठाते हैं पूंजीपति वर्ग, मजबूरी हो गई कि उसको क्या मजबूर है भाई, हर व्यक्ति ये कामना कर रहा है कि आज स्टाफ में जैसे मान लो प्राइवेट की बात करें कि यार इसका कुछ इससे गलती हो जाए या इसका डिमोशन हो जाए, इसके कुछ हो जाए तो मैं क्या प्रमोट हो जाऊँ। ये क्या है, मनुष्य में क्या है स्थिति आ गई, तो एक तो मजदूरी कम कर देगा उसकी, भाई जैसे 300 रुपये दे रहे हैं निर्वाह मजदूरी, उसको 250 रुपये कर देगा, तो 50 रुपये अतिरिक्त मूल्य आ गया उसके पास। और यहाँ मजदूरी का समय बढ़ाकर कैसे, जैसे उत्पादन का आधार तो श्रमिक वर्ग है, तो ये श्रम की कीमत लेता है सिर्फ, और श्रम की कीमत कौन सी है, निर्वाह मजदूरी, जिसे जो रोटी कपड़ा जो जरूरतें हुए, तो ये 6 घंटे काम करता है, 6 घंटे में मान लो उसको 300 रुपये दे रहे हैं, तो 6 घंटे के बाद इसका टाइम बढ़ा दिया, टाइम बढ़ाकर कितना कर दिया, 9 घंटे। अब देखो ये एक्स्ट्रा जो 3 घंटे काम कर रहा है उसका पैसा नहीं मांग सकता,
पैसा इसीलिए नहीं मांग सकता कि मांगेगा उसको निकालेंगे, दूसरे और बहुत तैयार हैं, वो 10 घंटे भी कर देगा काम। तो यहाँ ये जो 3 घंटे हैं, 3 घंटों में जो उत्पादन हो रहा है, ये जो 3 घंटे 6 से वो 9 घंटे करवा रहा है काम, ये जो 3 घंटों में जो काम हो रहा है उससे जो उत्पादन हो रहा है, इन 3 घंटों से जो उत्पादन हो रहा है वो सीधा किसकी जेब में जा रहा है, इसकी जेब में जा रहा है। जबकि अधिकार किसका है इसके ऊपर, अधिकार है इस श्रमिक वर्ग का, क्योंकि भाई पैदा ही यही कर रहा है, उत्पादन ही यही कर रहा है। तो इन्होंने ये कहा कि ये इस प्रकार से क्या करते हैं, जो अतिरिक्त मूल्य है उसको अपने पास क्या करते रहते हैं, इकट्ठा करते रहते हैं, और जिसका वास्तव में हकदार कौन है, वास्तव में हकदार है जो श्रमिक वर्ग है। तो मार्क्सवाद ये कहता है कि ये जो अवस्था है ये शोषण वाली, यानी 6 घंटे की बजाय ये जो निर्वाह मजदूरी, यानी इसमें संतुष्ट है व्यक्ति, तो ये जो अवस्था है ये हमेशा से क्या है, चलती आ रही है। जितनी भी अवस्थाएं हैं उसमें जो शासित वर्ग है, यानी जो शासन कर रहा है, वो दूसरे का क्या कर रहा है, शोषण कर रहा है, यानी जो शोषक वर्ग है उसकी यही स्थिति है। और जो एक्स्ट्रा पैसा जा रहा है वो किसके पास जा रहा है, सीधा पूंजीपतियों के पास जा रहा है। तो ये जो पूंजी अतिरिक्त मूल्य है, ये जो अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत है, ये मार्क्सवाद क्या कहता है, ये क्या है, वो वर्ग चेतना भी क्या है, लाता है। तो पहले वाले वीडियो में हमने पढ़ा था ना कि बस्तियां सब एक जगह इकट्ठी हो जाती है और उससे क्या है, वर्ग चेतना आती है कि भाई अपने ही पैसे हैं वो दूसरों के पास जा रहे हैं। तो ये सारा जो सिद्धांत था वो किसके ऊपर बेस्ड था, वो था अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत मार्क्सवाद के बारे में। इसके बारे में एक दो इसके राज्य के विचार और जो है वो और पढ़ेंगे, और जो अध्ययन उपागम है, जो MA का जो टॉपिक है, ये वैसे 12th क्लास के लिए भी है, बाकी जो 1st ग्रेड 2nd ग्रेड सब में ये देखो मार्क्सवाद तो इम्पोर्टेंट, ये कभी पीछा नहीं छोड़ने वाले, जब तक आप राजनीति पढ़ोगे तब तक आपका पीछा नहीं छोड़ेंगे। तो दोस्तों वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। और वैसे मैंने तो जब शुरुआत करी थी तो मेरे को तो ऐसा लगा नहीं था कि भाई इतने भी सब्सक्राइबर हो जाएंगे, तो आप लोगों का सहयोग है, बनाए रखें इसे और कमेंट करते रहें ताकि मेरे को भी ऐसा अच्छा लगता है, वहाँ भाई कोई पढ़ रहे हैं। और देखो कमियाँ होती रहती हैं, ऐसा नहीं है कि भाई मैं अब देखो बता रहा हूँ तो कोई हो सकता है गलती भी हो जाए, देखो हर मनुष्य संपूर्ण नहीं है, तो आप बता सकते हैं ऐसी कोई वो नहीं है, कमेंट में बता सकते हैं कि भाई हाँ ये मिस्टेक है, उसको सुधारा जाएगा। और बाकी अगर आप चैनल के ऊपर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और जो बेल आइकन का बटन दबाएं ताकि जो लेटेस्ट वीडियोज़ हैं उनका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद जय भारत।